मध्य प्रदेश के दमोह जिले के डूमर गांव में सोमवार को एक साथ चार मासूमों की चिताएं जल गईं। रविवार को तालाब में डूबने से चार बच्चियों की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा। इस दौरान मध्य प्रदेश के पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के। रविवार शाम चारों मासूम बच्चियां अपने परिजनों के साथ गांव में बने मंदिर में हो रहे भंडारे में शामिल होने गई थी। खाना खाने के बाद तीनों बच्चियां मायाबाई, पिंसो, राजेश्वरी, तलैया में नहाने चली गई थी, जहां किनारे की मिट्टी ढहने से तीनों गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। इस दौरान पानी में डूब रही राजेश्वरी की बड़ी बहन 13 साल की रागिनी उन्हें बचाने के लिए कूद गई। आसपास मौजूद लोगों ने केवल तीन बच्चियों को डूबते हुए देखा तो उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि जब रात तक रागिनी कहीं नहीं मिली तो गांव के लोगों ने जाकर तलैया में देखा तो उसका भी शव मिला। इस तरह एक ही हादसे में चार मासूम बच्चियों की मौत हो गई। हादसे के अगले दिन यानी सोमवार सुबह को दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने चारों मासूमों के परिजनों को अपने कार्यालय बुलाया। उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान परिजनों ने कलेक्टर कोचर को बताया कि जब वह अपनी बच्चियों को लेकर नोहटा अस्पताल पहुंचे तो वहां पर अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर था और न ही कोई नर्स। उन्हें मजबूरन बगैर इलाज कराए जिला अस्पताल आना पड़ा। यदि समय पर इलाज मिल जाता तो शायद बच्चियों की जान बच जाती। इस मामले को लेकर कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है और परिजनों को आश्वासन दिया है कि जिन भी डॉक्टर और नर्स की लापरवाही होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परिजनों ने आर्थिक मदद बढ़ाने की भी मांग की है। इस पर कलेक्टर ने CMHO को निर्देश दिए हैं कि यदि संभव हो तो परिजनों को 4-4 लाख रुपए से अधिक की राशि सहायता प्रदान की जाए। ये तीनों बच्चे हमारे यहाँ डूमर के हैं, जो कि ताला माता के ना गए थे भंडारा करने के लिए, तो वहाँ से लौट रहे थे तो मतलब मैं ये नहाने लगे तीनों बालक और साथ में और मुत्ते भी थे तो नहा रहे थे, तो वहाँ नहाने की वजह से क्या है, तालाब की धीमी पटने की वजह से इनका मतलब डूब गई। देखिए, थाना नोहटा में ग्राम डूंगर की यह घटना बताई जा रही है और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर उनको जिला चिकित्सालय लाया जा रहा है तो जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं उपस्थित हुआ और जानकारी ली। तो इनके जो परिजन है यह बता रहे हैं कि ग्राम में कोई जुलूस निकल रहा था और पास में कुछ खंतियाँ थीं, उनमें पानी भरा हुआ था बरसात का, तो उसमें डूबने के कारण इनकी जो है यहाँ मृत हो गई हैं। देखिए, भंडारे से अभी जो प्राथमिक दृष्टि से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि भंडारे से लड़कियाँ लोग लौट रही थी तो वो खंती टाइप का कुछ वो है जिसमें पानी भरा था, उसमें बच्चियाँ डूब गई हैं तीनों और बच्चियों को भी लाए। घटना में हम लोग मर कायम करके जो प्राथमिक जाँच होती है वो जाँच पूरी कर रहे हैं और PM और सबके बाद फिर फाइनल स्टेज हम लोग फाइनल जो कह पाएंगे। अभी जो सूचना आई उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। अभी मेरे पास सूचना मिली थी कि वहाँ ग्राम का पटवार है, उसने फ़ोन करके बताया था कि तीन बच्चियाँ दमोह अस्पताल के लिए रेफ़र हुई हैं, तलैया है वहाँ पर, हनुमत की तलैया जिसमें डूबी है और रेफ़र हुई हैं अस्पताल दमोह के लिए। तो यहाँ पर आया था तो देखा डॉक्टर साहब ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है, थाना प्रभारी महोदय को बता दिया है, मर कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ गए थे जी? ये कोई प्रोग्राम बता रहे हैं, प्रोग्राम में गए थे, वहाँ से रिटर्न हो रहे थे, रास्ते में ये तलैया थी, वहाँ पर बाकी साथ में 8-10 बच्चियाँ और थी, उनसे पूरी जानकारी लेके फिर आप बताए। पता चला कि एक बड़ी दुखद घटना अपने यहाँ पर हो गई है और छोटी छोटी चार बच्चियाँ डूब कर ख़त्म हो गई हैं। बड़ा ही दुखद समाचार था। इस समाचार से तुरंत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने
तुरंत चारों बच्चियों को, मृतक बच्चियों को 4-4 लाख रुपए उनके परिवार को देने की घोषणा की है। न्यू फेसिया सैलून, अब पाएं गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387, 8770380207।